आपको एक्सरसाइज 5.3 कराऊंगा स्क्वायर रूट की। क्या है पहला जो सवाल है, 50 625 का वर्गमूल होगा। पचास 625 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए 50 625 इधर से जोड़ा बनाएंगे, एक दो, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, उतना ही सुन, दो दूनी चार, पांच में चार घटा एक, ये जोड़ा उतरेगा, दो के दुगने यहाँ चार। अब ऐसी संख्या लिखेंगे जो 100 के बराबर, 106 के बराबर हो जाए, ऐसे कम रह जाए। अगर मैंने 5 लिखे तो 5 ही से बड़ा करूँ, 5 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
तो दो से ही गुणा, तीन लिखूंगा तीन तेना तीन चौवा, वो भी ज्यादा हो जाएंगे, तो दो दुनी चार, दो चौक आठ, घटाइए छ में चार या दो, दस में साठ है, दो ताल लीजिए जी जोड़ा टू फाइव, दो के दो दो यहाँ तो यहाँ, तो बाईस के दुगने कितने, दो ये जोड़ सकते, बाईस के दुगने यहाँ चवालीस, या दो दो चार चार, जो दो जोड़ लीजिए, पांच लिखे पांच ऐसे गुणा करिए, मैंने पांच कह रखा कि पांच अंक में, तो पचम पच्चीस के पांच, पांच चौबीस दो बाईस, पांच चौबीस दो बाईस, घटा लीजिए तो इसका वर्गमूल आया 225, 225 की 225 से गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर टू है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है 81 18 01, इसका आपको क्या निकालने का वर्गमूल ज्ञात करो, इसका निकालना है 81 18 01 का, इसका तो आपको इसका वर्गमूल निकाल के रखना है। तो इसका जैसे मैंने आपको बताया था 81 18 01, इसका वर्ग इधर जोड़ बनाएंगे, इधर से 9 नेम 81 घटाइए उतार लीजिए 18, 9 के दुगने 18 उतरेंगे यहाँ, ठीक है। अब भाई 18 हो जाएगा, एक लिखूंगा, एक एक से गुणा करूंगा, 181 जाएंगे हो गया 18, मैंने जीरो बढ़ाया और ये जोड़ा यहाँ उतर, एक लिखा, अब 90 के दुगने उतार लिए 180, एक लिखा एक से ही गुणा करूंगा तो सेम यही आएगा, घटा लीजिए तो इसका वर्गमूल आया 901, 901 की 901 से ही गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा। बाकी दशमलव वाला भी मैंने आपको बता दिया है, अब आपको बता रहा हूं तीसरा चौथा सवाल आप खुद करेंगे, पांचवा जो सवाल है मैं बता दे रहा हूँ, इसका भी आपको करना है, पांचवा छठा एक सा है, फिर साथ में बताऊंगा। पांचवा क्या है, पांचवी जगह मैं सिक्स नंबर बता रहा, देखिए सही है, दो सही तीन बटे पांच का वर्गमूल ज्ञात करो, करना क्या है इसको, देखिए दो सही तीन बटे पांच, पांच गुणी दस, दस तीन तेरह बटे पांच, पांच से तेरह के लिए भाग करेंगे, कर लीजिए इधर भाग, पांच गुणी दस, तीन बचा पॉइंट लगाया जीरो, पांच छह
तीस, यानी कि 2.6 आया। अब 2.6 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 2.6 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 2.6 का वर्गमूल यहां निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। 2.6 का वर्गमूल कैसे निकलेंगे, 2.6 जोड़ा से बढ़ा लेंगे, जोड़ा दो जोड़ा, दशमलव के दो स्थानों में उतने ही से उतने गुणा करेंगे, एक एक का एक, तो दो में से एक घटाई एक उतारी, पॉइंट है पॉइंट यहाँ उतर गया, 6 0 उतारे, एक के दुगने यहाँ उतर लिए। अब कितने बार जा सकते हैं, देखिए 4 5 लिखूंगा, 25 125 125 125 और 6 लिखे, 6 6 36 6 6 12 3 15 छः बार जाएंगे, 6 6 36 के 6 6 12 12 3 15 घटा लीजिए 4, ये जोड़ा उतार लीजिए, 6 लिखे 16 के दुगने 32। अब ऐसी संख्या लिखेंगे, एक लिखा तो एक ही से गुणा करेंगे, 321 घटा लीजिए, तो इसका लगभग आएगा 1.61। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे वर्गमूल, और 20 का आएगा घटा के दशमलव के दो स्थानों तक निकाल लिया मैंने, और आएगा एक बार और चला गया। अगला है सातवां जो सवाल है, सात नंबर है, सातवां आठवां नवा और दसवां, बाकी सब तरीके के आपके सवाल हो जाएंगे। सातवां है, एक सवाल है √3 + √2 √3 - √2 का मान होगा, का मान होगा √3 का मान हमें याद होना चाहिए, अगर नहीं है दो तरह से उतार सकते हैं इसे। देखिए एक तो मैं उतने सूत्र गुणा करके भी कर सकता हूँ, या √3 का मान इसमें √3 √2 का मान होना चाहिए, उससे भाग कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं दूसरी विधि से उतारना चाहूँगा, √3 का 1.732, √2 का मान होता है 1.141। ऐसे ही इसका 3 का वर्गमूल निकालेंगे, ये √2 का निकालेंगे, यह 1.414, √3 का निकालेंगे 1.732 - 1.14, इसमें जोड़ लेंगे, इसमें से घटा देंगे, फिर भाग कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाए। एक तो ये टेक्निक है, ये दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, फिर उसको जो जोड़ा रहा उसको भाग कर देंगे। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, कभी 3 4 3 7 7 1 8 1 1 2, इसमें से घटाएंगे 1 3 में 13 में 4 9 6 में से 11 5, ये आंसर। अब पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 3 के बाद इसमें 3 में से, अब करने क्या है 28 73 के लिए 591 से भाग करेंगे, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये है, दूसरी विधि है, दूसरी विधि क्या है मैं बता दूं आपको, ये माइनस है √3 + √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब इसका क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर। इसका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये सूत्र बन जाएगा √3² - √2 का स्क्वायर का। अब करना क्या है हमारे पास, देखिए और आ जाएगा नीचे, करना चाहूंगा
नीचे कर देना, रूट तीन का वर्ग हो जाएगा तीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री रूट दो, इसका वर्ग होगा तीन माइनस दो, तीन दो कितना होगा पांच, दो रूट तीन गुनी छः बटे, तो ये सरल है, पांच प्लस दो रूट सिक्स, तीन और रूट दो की गुणा रूट सिक्स बटे एक, एक ही है बटे एक लिखते नहीं है, तो पांच प्लस दो रूट सिक्स का मान निकाल लेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे पॉइंट दो दूनी चार, छह में चार गया दो, पॉइंट लगाया जोड़ा डाल दिया, दो के दोगुने चार, अब चार लिखे चार से पांच लिखेंगे, चार लिखे चार से गुणा करेंगे, चार चौक सोलह है, चार चौक सोलह एक सत्रह, घटा लेंगे दस में छह का चार, नौ में सात का दो, ये जोड़ा डाल लेंगे, तो लगभग मैं बता रहा हूं, और 24 के दोगुने 48 निकाल लीजिए, अब ऐसी संख्या लिखेंगे इसके बराबर, तो लगभग मैं दो स्थान एक ही स्थान पर निकाल रहा हूँ 2.4, तो पांच गुणा कर लेंगे दो चौक आठ दो दूनी चार, तो पांच चार नौ पॉइंट जोड़ेंगे, पांच और चार पॉइंट आठ जोड़ मार नहीं आता है, तो पांच चार पॉइंट आठ पॉइंट लगाइए जीरो लगाइए एट पांच चार नौ पॉइंट, तो 9.8 हमारा आंसर लगभग आ गया। अब हमारे पास अगला जो सवाल है क्या होगा, अब हमारे पास अगला क्या है, यानी कि सी वाला ऑप्शन से आठवां जो सवाल है, आठवां क्या है रूट एट प्लस रूट अठारह माइनस दो रूट दो, ये सवाल इसका मान क्या होगा, आठ को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं चार बड़ा दो, अठारह से लिख सकते हैं नौ बड़ा दो, दो रूट दो, देखिए चार का वर्गमूल कितना होता है दो, रूट में क्या रहेगा ये वाला दो रहेगा, नौ का वर्गमूल तीन, रूट में क्या रहेगा ये दो माइनस दो रूट दो, ये प्लस के ये माइनस के ये कट गए, क्या बचे तीन रूट दो, अब आंसर तीन रूट दो हमारा आंसर, यही आंसर है। अगला क्या है नवा सवाल, ठीक है नवा क्या है, नवा जो सवाल है रूट पांच बटे चार गुणा दो बटे तीन का मान होगा, मान होगा तो पांच बटे चार और दो बटे रूट तीन का मान होगा, देखिए सबसे इजी तरीका है, मैंने रूट ऐसे कर लिया दोनों चढ़ा पांच बटे चार गुणा में दो बटे तीन, करना क्या है पांच दूनी गुणा करिए ऊपर ऊपर वालों की, पूरे दूनी दस चार दिया बारह, एक ही पहाड़े से हम करने क्या है एक ही पहाड़े से भाग करेंगे, दो दो छह बारह दो पंजे दस पांच बटे छह, अब छह से पांच के लिए भाग करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए छह से पांच के लिए भाग करके मैं बताऊंगा कितना आ रहा है, पॉइंट आया जीरो बड़ा है छठे अड़तालीस दो बचा जीरो बड़ा है छिया अठारह दो बचा
तो आएगा हमारा 0.8333 आता ही रहेगा। ठीक है, इसका हम जो वर्गमूल निकाल लेंगे वही हमारा आंसर होगा। अब इसका वर्गमूल देखिए, दशमलव के दो स्थानों तक निकालूंगा। जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, इधर से जोड़ा बना लिए, करना क्या है उतने से उतने जोड़ा करें। नौ नेम 81 घटाइए, दो बचा जोड़ा कर लिए, नौ के दो ने 18, एक लिखा 21 से जोड़ा करेंगे 181। इसका वर्गमूल आएगा हमारे पास 0.91। दो स्थानों तक निकाला है 0.91, तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, यानी दशमलव के दो स्थानों तक निकाला, और निकलेगा ये दो तीन जो भी। बाकी सवाल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप एक्सरसाइज 5.3 प्रैक्टिस करें घर पे। ठीक है।